मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस सभी प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला तैयार करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर 110 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक और प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की मददगार है। दोनों ही पार्टियों को जनता और विकास से कोई लेना देना नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी जनहित में काम करने वाली पार्टी है। नगरीय निकाय में प्रत्याशी चयन का हमारा फॉर्मूला भी बिल्कुल साफ है। हमने केवल उन लोगों को ही टिकट दिया है जो समाज सेवक है और जागरूक है। आज आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व के सहमति पे मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर 107 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हम कर रहे हैं। हमारे पास पहले चरण में 1169 फॉर्म आए थे, जिनमें से ये फाइनल लिस्ट बनी है। उनमें से कुछ प्रत्याशी काबिल हैं जो फॉर्म भरे थे, उनको अभी और काम करने और उनकी रिपोर्ट मांगी गई है, तो उनमें से लोग प्रत्याशी बन सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, उसमें नगर निगम के अलग मुद्दे होते हैं, नगर पालिका के अलग मुद्दे होते हैं और नगर परिषद के अलग अलग मुद्दे होते हैं, क्योंकि अलग अलग सरकारें होती है। नगर निगम में अलग सरकार होगी, 16 नगर निगम है तो 16 सरकारें होंगी, वहां के अलग अलग इशू होंगे, भाई पानी का है, नाली का है, सड़क का है, ये सारे मुद्दे होंगे। तो जनता से पूछ करके, अभी घोषणा पत्र भी जनता से पूछ करके बनाया जा रहा है समस्याओं को लेकर के, तो जो जनता के मुद्दे होंगे वही हमारे मुद्दे हैं।